नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट और बंदूकों की सलामी के बीच अंतिम विदाई दे दी गई है। भारतीय सेनाओं के इतिहास में पूर्व थल सेना प्रमुखों फील्ड मार्शल सैम मानेकशो और फील्ड मार्शल KM करियप्पा के बाद अर्जन सिंह मात्र ऐसे तीसरे अधिकारी थे जो 5 सितारा रैंक तक पहुंचे, जबकि वायुसेना के इतिहास में वो 5 सितारा रैंक तक पहुंचने वाले पहले और एकमात्र अधिकारी रहे। 7 साल के प्रद्युमन की मौत के बाद ठीक 10 दिन बाद गुरुग्राम का रेयान इंटरनेशनल स्कूल आज फिर खुल गया है, लेकिन प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर इसका विरोध जताया। उन्होंने लिखा कि CBI ने अभी तक केस को अपने हाथ में नहीं लिया है, लेकिन इसके पहले ही स्कूल खुल गया है, जिससे सबूतों को खतरा पहुंच सकता है। उन्होंने अपील की है कि जब तक CBI केस को अपने हाथ में ना ले ले तो स्कूल को बंद रखा जाए। गुजरात में 2002 में हुए नरोदा पाटिया दंगे मामले को लेकर BJP अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद के SIT कोर्ट पहुंचे। शाह इस मामले में दोषी करार दी गई गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की अपील पर पेश हुए। अमित शाह कोर्ट में पहुंचे तो उनके सामने सवालों की झड़ी लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जिले के सभी प्रखंडों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इसी क्रम में प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र, कुमार दीपेंद्र, चंदन पंडित, बसंत सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं ने गांधी ग्राम जलहा में पहुंचकर सफाई अभियान चलाया। भारतीय वायुसेना के जांबाज सेनानी मार्शल अर्जन सिंह का शनिवार को निधन हो गया था। देश भर की तमाम हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। ऐसे में रविवार को अभिनेत्री मंदिरा उन्हें श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंची और उन्होंने उनसे जुड़ी कई यादें और बातें शेयर करते हुए बताया कि वो जाबाज ही नहीं रोमांटिक भी थे। बता दें कि मंदिरा वेदी अर्जन सिंह की भांजी हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य सैयद अकबरुद्दीन ने एयरपोर्ट पर सुषमा की अगवानी की। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ अन्ना DMK पार्टी के भीतर चल रही घमासान के बीच विधानसभा स्पीकर पी धनपाल ने शशिकला के भतीजे TT दिनाकरन खेमे के 18 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। 1986 के तमिलनाडु असेंबली मेंबर्स दल बदल कानून के तहत ये कार्यवाही की गई है। इसके चलते इन विधायकों की अब विधानसभा में सदस्यता समाप्त हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उत्तर कोरिया के सन के किंग जोंग उन को रॉकेट मैन कहते हुए उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उत्तर कोरिया के लोगों द्वारा ईंधन लेने के लिए लगने वाली लंबी कतारों को लेकर भी व्यंग किया। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने रविवार जाकिर हुसैन कॉलेज के पास से पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ 10 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करने के 3 दिन के अभियान की शुरुआत कर दी। उनकी मांग है कि उत्पाद शुल्क और वैट कम करके पेट्रोल 34 रुपए और डीजल 32 रुपए प्रति लीटर की दर से लोगों को उपलब्ध कराया जाए। इन हस्ताक्षरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपा जाएगा। BSP प्रमुख मायावती ने मेरठ की रैली में BJP पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि EVM को लेकर हमारे आरोपों से लोगों का ध्यान हटाने और सियासी फायदे के लिए सहारनपुर में जाति दंगे कराए गए। गौरतलब है कि मायावती ने अपनी सियासी ताकत की आजमाइश के लिए पश्चिमी UP में रैलियों के साथ नई कवायद की शुरुआत की और मेरठ में पहली रैली सोमवार को की। असम BJP ने म्यांमार से निकाले जा रहे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हमदर्दी दिखाने पर प्रदेश के कार्यकारी सदस्य बेनजीर अरफान को निलंबित कर दिया है। 2012 में पार्टी के साथ जुड़ी अरफान ने बताया कि प्रदेश BJP अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने गुरुवार को उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हुए व्हाट्सएप पर निलंबन पत्र भेजा। फिल्म भूमि के प्रमोशन के लिए एक्टर संजय दत्त, अदिति राव हैदरी, सिद्धांत गुप्ता, निर्माता निर्देशक ओमंग कुमार दिल्ली के लिए मेरिडियन पहुंचे। बता दें कि फिल्म की कहानी एक बाप बेटी के इमोशनल ड्रामा पर आधारित है। इस फिल्म से जुड़ते हुए संजय दत्त ने कहा, मुझे ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश थी जो मेरे व्यक्तित्व से काफी अलग हो, साथ ही ऐसी कहानी जो डिफरेंट होने के साथ साथ पावरफुल भी हो। कई हॉलीवुड फिल्मों और इंटरनेशनल रियलिटी शोज में नजर आई प्रियंका चोपड़ा ने फेमस अवार्ड इमेज 2017 के मंच पर आउटस्टैंडिंग वैरायटी टॉक सीरीज अवार्ड को प्रेजेंट किया, लेकिन इस अवार्ड को प्रेजेंट करने से पहले एक ऐसी चूक हो गई जिससे लेकर प्रियंका चर्चाओं में आ गई है।
पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई, लेकिन बाद में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत संभला। बाद में गेंदबाजों ने भी कंगारू टीम को धाराशायी कर दिया। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए एवन न्यूज़। नमस्कार।